गाइस गुड मॉर्निंग। आज बस हम कोरा कोरा लगा है पूरा चारों तरफ। ठंड हो रखी है गाइस, ये देखिए पूरा फॉग ही फॉग जमा पड़ा है चारों तरफ और ठंड लग रही है। तो गाइस आज जा रहे थोड़े एक कंप्लेंट में, काफ़ी दिनों बाद रात उधर थोड़ा सही हो गया। तो गाइस निकलते थोड़ा काम की तरफ, चारों तरफ फॉग ही फॉग लगा हुआ। ये है टैंक रोड की मार्केट, कपड़ों की मार्केट है पूरा टैंक रोड। हम आ चुके हैं अब काम से और थोड़ा यहाँ चप्पल लेने जा रहे हैं दुकान पे। अभी हम दुकान पे यहाँ पर कुछ सामान ले रहे थे, तो गाय अभी नेगी जी के यहाँ पर बैठे हैं। अभी काम से भी आ रखे हैं। बाहर ठंडा भी बहुत हो गया है, बहुत ठंडा हो रखा है और कोरोना भी आ गया है ना लगभग। नेगी जी कोरोना भी आ गया ना, तो कोरोना से मास्क पहन के रखिए गाइस। और एक इस तरह की आती है। हमने चप्पल ले लिया दुकान से और ये लेडी चप्पल। अब 8 बज चुके हैं और दुकानें बढ़ रहे हैं अब, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ने कर दिया ना वन बाय वन टाइप का, एक दुकान खुलेगी दूसरी दुकान से। अब कल की छुट्टी होगी आपकी, कल छुट्टी, कल इनकी छुट्टी है गाइस। तो मैंने यहाँ पर से टोपा भी ले लिया और चप्पल भी ले लिए है। तो ये सैनी साहब बहुत महंगे, सैनी साहब क्या रेट है? 150 रुपये। सैनी साहब 150 रुपये कह रहे हैं, मैं सैनी साहब को 150 रुपये थोड़ा दूंगा। हमारे नेक जी कम दम था, ये महंगा बता रहे हैं। तो मैं एक टोपी ले लेता हूँ, मुझे ये टोपी पसंद आ गई है। तो गाइस देखते हैं बात बन जाएगी सैनी साहब से। तो अब चलते हैं हम घर की तरफ। बाहर बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड लग रही है, हवा चल रही है बहुत। तो गाइस नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और जरी हुए कम्बल के अंदर बैठे पड़े हैं। बच्चे लोग सारे बिजी हो रखे हैं कम्बल के नीचे, आ गए ट्यूशन से। तो गाइस बाहर बहुत ठंड हो रही है और अब जरा आप किचन की ओर चलते हैं। किचन में क्या बनाया है जरा किचन में देखते हैं क्या बन रहा खाना। तो गाइस हमारे लिए है बन चुकी है मंडुआ की रोटी, ये गांव की रोटी मंडुआ जो हमारे उत्तराखंड पहाड़ों में मिलता है मंडुआ के। अब मैंने अपने लिए गाइस एक टोपी भी ले ली और इनके लिए चप्पल भी लाया था, तो मुझे ये टोपी पसंद आया। मेरे पास एक टोपी थी मगर मैंने फिर एक और ले ली अपने लिए, ये मुझे पसंद आ गई। तो मैंने कहा था आपके पास बनता, तो गाइस मेरे लिए बन रहे मंडुआ की रोटी। मैंने कहा था मेरे लिए मंडुआ की रोटी बनाना मोटी मोटी और घी लगा के फर्स्ट क्लास। आलू गोभी की सब्जी बनी है और बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि लगा 2-3 दिन बारिश हुई थी, अब ठंड बढ़ चुकी है बाहर गाइस। तो अब बनने में खाना, खाने की तैयारी शुरू करो। हाथ धो लो, हाथ तो धो लिए, हाथ धो लिए। और बिपिन रावत तो आपने गंदे होते ही नहीं है, गंदे होते नहीं है। तो गाइस ये कह रहा मेरा हाथ गंदे होते नहीं है, पता नहीं क्या करता। तो यहाँ पर खाना भी आ चुका है, अभी रोटी जरा बाहर बन रही गरम गरम। तो गाइस इस पे लगी थी कौन सा इंजेक्शन लगा था, मैं भूल गया, कोवैक्सीन इंजेक्शन इस पे लगा था। अब इसको पूछते हैं इसके हाथ दर्द कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाथ दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा, बुखार वगैरह तो नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, कैसा महसूस लग रहा है अब आपको? बढ़िया, इंजेक्शन लगे बहुत खुश हो रहा था, ये इतनी खुशी हो रही थी गाइस इसको कि बहुत ही ज्यादा कि मेरे पास इंजेक्शन लग रहा है कोविड शील्ड का। हाँ। तो अब इस पे तो लगा नहीं था, कंबल के नीचे छुप गया। तो ये तो कह रहा अभी मेरा मैसेज आया इसके, तो मैसेज में मना कर दे के अभी छोटा है, 14 साल 15 साल लगे ना सर। तो गाइस इसका तो अभी मैसेज अभी इसमें लगेगा, अगले साल लगेगा अब इस पे। तो बढ़िया लग रहा है ना, मतलब अब हम कोरोना से लड़ सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ गई हमारी। अच्छा अच्छा इम्यूनिटी बढ़ गई आपकी, कितनी तेज पावर होगी पता नहीं, डॉक्टरों को पता होगा। तो अच्छा डॉक्टरों को पता होगा, बुखार उखार नहीं आ रहे ना? नहीं, हाथ में दर्द हुआ था थोड़ा। चलो और उसको तेरे दोस्त को किसी को नहीं, हाथ में दर्द हुआ, हाथ में दर्द थोड़ा दर्द था। तो गाइस अभी करा मैं कोरोना से लड़ चुका हूँ। तो गाइस अब हमारे लिए आ गई है रोटी, ये है आ गई रोटी हमारे लिए बना के लिया है गरम गरम। अब खाने बैठते हैं गाइस। अब जा रहे हैं कॉफी बनने जा रखी है, तो अब देखते हैं नितिन रावत जी बड़ा वाला हमारा नितिन राव जी कॉफी बना रहा है, एक बार दिखाते हैं। तो गाइस हमारी रात को हमेशा कॉफी बनती है, तो अब यहाँ पर कॉफी बना रहे हैं नितिन रावत जी। चाय बना रहा है गाइस, ये फोकट कर दिया तूने, इतने पहले हमने सोचा कॉफी बना रहा है या फिर चाय बना रहा है। चाय पीने में मजा आता है, देसी लोग। तो गाइस ये क्या, तो ये चाय बनाने में मजा आता है। तो गाइस आज ये चाय बना रहा है, फोकट कर दिया इसने, मतलब हमने ऐसे बोला था दूध गर्म करने के लिए, तो कॉफी बनाने के लिए, आज ये चाय बनाने लग गया, आज अपनी मर्जी से बना रहे। तो कोई बात नहीं, चाय पिला दे कोई नहीं। हेलो गाइस, इस समय जा रहे हैं हम पितमपुरा की तरफ और गाइस सुबह का टाइम है, फोन जमा पड़ा आगे की तरफ पितमपुरा का घर। तो आ गए हम पितमपुरा की तरफ, बहुत कोरा कोरा लगा पड़ा है और इतने ठंड हो रखी कि कपड़े
कपड़े भी कितने पहनने पड़ते हैं गाइस। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ पर हो गया काम, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं गाइस, जा रहे हैं हम घूमने आ रखे इधर की तरफ। अरे देखिए बहुत अच्छा मौसम बना रहा है इधर, ठंडा ठंडा हो रखा, कूल एकदम, पूरे खेती खेत है चारों तरफ, पूरे खेत है। मॉर्निंग वॉक पे भी लोग घूमने आते हैं और शाम के टाइम घूमने आते हैं। ये गाइस इस समय गेहूं की फसल इधर चल रखी है, गेहूं बो रखे हैं, कहीं पालक मूली सब्जी बहुत सारे लोगों ने चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं, बहुत अच्छा व्यूज। और उधर फॉग भी, आगे फॉग दिखाई दे रहा होगा आपको, फॉग जमा पड़ा है, ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है यहाँ पर। देखिए गाइस घूमने लायक पड़ गया, मस्त मौसम है यहाँ पर। ये देखिए पीछे फूलों का बगिया कितना खूबसूरत है, और खुशबू खुशबू आ रही है बड़े ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर घूमने के लिए। लोग भी बहुत मॉर्निंग वॉक पर और यहाँ घूमने के लिए लोग आते हैं। तो गाइस इतना शानदार बगीचा, फूलों की खुशबू खुशबू यहाँ पर, और चारों तरफ फूल ही फूल हैं। तो गाइस बहुत अच्छे खूबसूरत फूल यहाँ पर लगे पड़े हैं और चारों तरफ फूल है, और पीछे की साइड भी है, उधर की साइड भी है, उस साइड भी है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। और हम इधर घूमने आ रखे थे तो आज चलो हमने कहा फूलों की बगीचा दिखा देते हैं दोबारा। तो गाइस ये देखिए फूल, इतने खूबसूरत फूल, हर एक प्रकार के फूल है यहाँ पर, लाल पीले वाइट सब सब मिल फूल हैं पीले, क्या मस्त मस्त नज़ारा है यहाँ पर। सिर्फ फूलों के पास आने पर खुशबू, फूलों के चारों तरफ खुशबू खुशबू है इधर। नितिन सिंह रावत जी ट्यूशन से आए और बाहर का हमने आज मंगाया है समोसे, स्प्रिंग रोल, मोमोज और क्या समोसे। तो गाइज हमने आज बाहर से मंगाए हैं, बाहर की पार्टी कर रहे हैं और पार्टी के बाहर का एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज हमारे पास समय हमने मंगा दिए समोसे, ये रहे मोमोज, स्प्रिंग रोल और इसमें है, इसमें है समोसे, और ये है इसकी चटनी, मोमोज की चटनी, ये मेयोनीज, और ये है। तो गाइज भाई इसके बाद खाना खाओगे कि नहीं खाओगे फिर? नहीं कौन खा रहा, कॉफी पियेंगे। तो गाइज ये तो बाहर का खाना, ये पेट भर जाएगा, दिन में भी खाया पालक पनीर, तो अब इन्होंने कहा ये बना मंगा दिया तो अब इसी को खाएंगे, उसके बाद कॉफी बनाएंगे गाइस। तो अब गाइस इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय।